वेलकम टू माय चैनल मिस पूजा कुकिंग। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे एगलेस चोको लावा केक प्रेशर कुकर में। इसके लिए हमें चाहिए कंडेंस्ड मिल्क, बेकिंग पाउडर, बटर, कोको पाउडर, पाउडर शुगर, मिल्क, चॉकलेट, मैदा और फॉइल पेपर मोल्ड्स बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम आधा कप मैदा डालेंगे, 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे हमें अच्छे से छानना है छन्नी से। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं चोको लावा केक, वो बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि एकदम चॉकलेटी बनती है। आप इसे अच्छे से देखिए, हमारा जो पाउडर है वो छन गया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर 1/2 कप, 1 बड़ा चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। आप कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच रूम टेम्परेचर पे हमने बटर लिया है वो डालेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप पाउडर शुगर थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अंदर फिर हम मिलाएंगे 1/2 कप दूध लेंगे। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है और एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते रहें। अगर आप दूध एक साथ मिला देंगे तो इसमें जो हमारे लम्ब्स हैं वो हो जाएंगे और जो हमारा केक है वो अच्छा नहीं बनेगा, एकदम सॉफ्ट इसका जो हमें पेस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हमें दूध इसको इसमें दूध आराम से धीरे धीरे मिलाना है और इसे एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, इसे ज़्यादा भी नहीं फेंटना है, अदरवाइज़ आपका जो केक है वो स्पंजी नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बन के रेडी है। अब हम चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हमने गैस पर गर्म पानी चढ़ाया है। हम मोल्ड्स बनाएंगे, होममेड मोल्ड्स बनाएंगे। इसके लिए हमने फॉइल पेपर को 4 में डिवाइड कर इक्वल फोल्ड करना है। एक गिलास पे इसे रख के जिस तरीके से आप देखिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, अपन को इसको फोल्ड करना है। अगर आपके पास रेडीमेड मोल्ड्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने ये होममेड फॉइल पेपर से अपना जो है मोल्ड्स बनाना आपको बताया है। इसमें भी हमारे जो केक हैं वो बहुत अच्छा बनेगा। आप देखिए मैंने पहले ऑलरेडी बना के तैयार किए थे। और अब एक कुकर में हम नमक डालेंगे, इसे नमक को अच्छे से हम फैला लेंगे। इस नमक को मैंने कई बार केक बनाने के लिए काम में लिया है इसलिए इसका कलर चेंज है। हमारे देखिए पानी में बॉईल आ गया, उसके ऊपर हम हमारी चॉकलेट लगे रखेंगे। ये मैंने कैडबरी के 2 बड़े वाले पैक लिए हैं 40 ग्राम्स वाले। ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे हम हमारे पेस्ट में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केक बनाते समय हमेशा अपने जो है मेजरमेंट्स का ध्यान रखें। हमने जो मोल्ड्स बनाए इसके अंदर हम थोड़ा सा घी या बटर जो भी है अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो केक है वो अच्छे से बाहर निकल आए। इसको हमें इसके अंदर फिल करना है, इसको ज़्यादा फिल नहीं करना है, 3/4 ही फिल करना है क्योंकि ये फूल के जो है ऊपर आएगा। तो आप ज़्यादा इसको फिल करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। इसे थोड़ा सा टैप करें जिससे इसके बबल्स निकल जाएं और इसके अंदर बहुत ही अच्छे से हमें इसके अंदर इसको रखना है। हमारे मोल्ड्स को आप देख सकते हैं, मोल्ड्स कितने इजीली हमने उठा लिए हैं। फिर हम इसको कवर कर देंगे और 5 to 10 मिनट्स इसको पकने में लगाना है, ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ जो आपके चॉकलेट लावा केक की बजाय वो नॉर्मल चॉकलेट केक बन जाएगा अगर आप इसे ओवर बेक कर देंगे तो। 10 मिनट बाद देखिए इसको मैंने बाहर निकाला है और इसको आप देखिए कितना परफेक्ट हमारे चोको लावा केक बने हैं। इसे हम सर्व करेंगे और ये देखिए मैंने आपको ये कट करके दिखाया है और ये देखिए हमारे कितना परफेक्ट चोको लावा केक बने हैं। आप इन्हें प्लीज़ ट्राई कीजिए और अपने व्यू शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी किसकी चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा और जो आप केक बनाते वक्त इसके मेजरमेंट्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा।